नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 6 से 12 और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरैक्टिव फोन इन सेशन में। और हम अपने सभी देखने वालों को बता दें कि योग पर आधारित विशेष सत्र है जो हम लेकर आते हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से, जिसमें हम बात करते हैं एक समस्या पर, उसका निदान हम पाना चाहते हैं योग के माध्यम से। आप सभी के साथ हम साझा करना चाहेंगे आज का विषय, किस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो आपको बता देते हैं। आज का टॉपिक है योगा फॉर यूथ, यानी कि युवाओं के लिए योग, इस विषय पर। और युवा एक ऐसा वर्ग है जो किसी भी समाज में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये बहुत बड़ा वर्ग होता है। किस तरह से इसे चैनलाइज किया जा सकता है, किस तरह से इनकी एनर्जी को हम पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा आज के इस सत्र में। कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो आप अपने सवाल अपने आप तक ना रखें, हम तक जरूर पहुंचाएं, और आप हमारे योग विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप अपना फीडबैक इन ईमेल एड्रेसेस पर भी पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमसे तुरंत जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, लाइव चैट बॉक्स पर जाएंगे, अपना कॉमेंट ड्रॉप करेंगे। इन तमाम जरियों से आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में। और हम आपको बता दें अपना टॉपिक एक बार फिर से, योगा फॉर यूथ, यानी कि युवाओं के लिए योगासन हम लेकर आएंगे। और हमारे विशेषज्ञ इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं मिस शुचि मोहन, आप योग इंस्ट्रक्टर हैं इंडियन एवाई में। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैम के द्वारा बताए गए सभी योगासन और योग क्रियाएं करने के लिए हमारे पास हमेशा की तरह डेमोंस्ट्रेटर भी मौजूद है, चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं श्री हिमांशु, आप इसी संस्थान में विद्यार्थी हैं। हिमांशु आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता चल गया है हमारा विषय, आपको पता चल गया किन जरियों से, किन माध्यमों से आपको हमसे जुड़ना है, और आप हमारे योग विशेषज्ञ के साथ भी मिल चुके हैं। अब जरूरत है आपका इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की, हमें इंतजार रहेगा आपके पार्टिसिपेशन का। लेकिन उससे पहले हम अपनी योग विशेषज्ञ शुचि मैम आपके पास आते हैं। और अगर हम अभी सोसाइटी की तरफ देखें तो हमारी सोसाइटी में हमें दो ग्रुप बहुत ही ऑब्वियस दिखते हैं। एक ग्रुप हमारा यूथ है जो बहुत कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है। वहीं साइमल्टेनियसली हम ग्रुप में अपने समाज में देखते हैं कि एक ग्रुप है जो टैलेंटेड तो बहुत है लेकिन वो अंडर कॉन्फिडेंट है, उसे अपनी चीज़ों पर, अपनी बातों पर उन्हें डाउट होता है कुछ भी प्रकट करने से पहले, उनकी इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हाँ, हो सकते हैं उनके साथ कुछ ऐसा होता हो स्कूल में, कॉलेजेस में, जिनकी वजह से वो इन सब चीज़ों से ग्रसित रहते हैं या थोड़े डरे डरे से रहते हैं। ऐसे में योग उनको कितना हेल्प कर सकता है, और आप क्या कहना चाहेंगे, आप प्लीज़ बताएं। ये योगा फॉर यूथ की जब हम बात करते हैं तो ये ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि यूथ को कैसे मदद कर सकता है योग। यूथ एक ट्रांजिशन पीरियड है जहाँ पे आप बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, इसमें टीनेजर्स भी आ जाते हैं, नए नए जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी करना है, पैसा भी कमाना है, और लेकिन करियर भी आगे बढ़ाना है, सब कुछ एक साथ है, स्ट्रेस बहुत है, तो ये सब बातें हैं। लेकिन साथ में जो आपने ये पॉइंट हाईलाइट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो बच्चे जो कॉन्फिडेंट हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं हैं तो हालांकि टैलेंटेड हैं तो उनके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है, सेल्फ इस्टीम को इम्प्रूव करता है। और जो लोग कॉन्फिडेंट हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट जिसको बोलते हैं ना, तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन योग बहुत मदद करता है। विवेक ख्याति एक शब्द यूज़ करते हैं हम योग में कि डिस्क्रिमिनेशन, पावर टू डिस्क्रिमिनेट कि क्या सही है क्या गलत है। कई बार कॉन्फिडेंस में हम ओवर कॉन्फिडेंस में जो शब्द इस्तेमाल किया उसमें हम कई बारी सही गलत में पहचान ना करके जो हमें सही लगता है बस हम वो करते जाते हैं, अगले के बारे में एक क्या है सोसाइटी के लिए वो क्या सही है ये नहीं सोच पाते हैं। सोशल स्तर पे या इमोशनल स्तर पे औरों के भी क्या सही है इस चीज़ को हम नहीं डिसाइड कर पाते हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मदद करता है योग। साथ के साथ विल पावर भी इम्प्रूव करता है, जिसके अंदर टैलेंट तो है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ना, तो विल पावर भी करेज देता है कि आप बोल पाए या एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को। अपने आप को आप कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, और सबसे बड़ी बात मैम कि आप अपने आप को कितना अच्छे से समझ पाते हैं। आपको अपनी काबिलियत पर यकीन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, ये वाला जो स्किल है ये एक लाइफ स्किल है, और मुझे लगता है कि यह हर बच्चे को और हर इंसान को आना चाहिए। किस तरह से आप इसे पा सकते हैं आपको बताया जाएगा आज के सत्र में।
आप अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे, आप अपने सवालों के साथ हमसे ज़रूर जुड़ें। और मैम यहाँ पर हम शुचि जी आपसे कहेंगे, निवेदन करेंगे कि इस सत्र की शुरुआत की जाए। हाँ जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम सत्र की प्रार्थना के साथ। प्रार्थना के लिए कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें घुटनों के ऊपर, आंखों को बंद करें, गहरी लंबी सांस अंदर लें और धीरे धीरे जाने दें। फिर से एक गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। गहरी लंबी सांस के साथ तीन बार ओम का उच्चारण और तीन बार शांति का उच्चारण करेंगे। सांस अंदर शांति शांति शांति। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे, हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे और पलकों को झपकाते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। शुरुआत करेंगे हम शुद्धि क्रिया के साथ, षटकर्म जिसको बोलते हैं हम, उसके लिए या इसके एक क्रिया जो हम यहाँ पे करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उसको, हिमांशु, कुंजल। कुंजल के लिए सबसे पहले जग में गरम कोसा पानी, जो थोड़ा सा गरम वाले साइड पे हो वैसा कोसा पानी ले लें और उस काग आसन में बैठ जाएं। पानी आप एक जग या दो जग जितना भी ले सकते हैं, आप दो मतलब आपको मैक्सिमम पानी पीना है, गले तक पानी पीना है, आप इतना इतना सफिशेंट अमाउंट ऑफ पानी आप अपने साथ रखें। यूजुअली लोग एक लीटर से डेढ़ लीटर आराम से पी पाते हैं, इसलिए हम एक जग की बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा पी सकते हैं तो आप दो जग भी अपने साथ रख के बैठ सकते हैं। सबसे पहले जग को अपने पास रख के कागासन में बैठ जाएं और फिर कागासन में बैठते हुए इस तरीके से, ये है कागासन, दोनों पैरों को मिला लें और इस तरीके से बैठ जाएं। जो लोग पूरी तरीके से कागासन में नहीं बैठ सकते हैं वो लोग बैक सपोर्ट ले सकते हैं वॉल का। इसका मेन एम जो है कि आपका पेट दबना चाहिए, तो आप पीछे पीठ पे सपोर्ट ले लें या फिर एड़ी के नीचे कुछ ऊंचा रख लें, जैसे कुछ भी एक सपोर्ट दे दें जिससे आपकी एड़ियां थोड़ी सी ऊंची हो जाएं। जब आप इस स्थिति में भी बैठते हैं तो आप आराम से कागासन में बैठ पाते हैं। दोनों हाथों से जग को पकड़ेंगे, चाहे तो आप बड़ा ग्लास इस्तेमाल कर सकते हैं। जग से पीने का मतलब ये है कि आप कंटिन्यूअसली पानी पीते जाएंगे, पीते जाएं, आप लगातार पानी पीते जाएंगे, बीच में रुकेंगे नहीं, आराम आराम से पिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन पीते जाएंगे। जब आपको लगे कि आपने मैक्सिमम पानी पी लिया है, अब इससे ज़्यादा पिया नहीं जा सकता है, अब इससे ज़्यादा पिया तो वॉमिट आउट हो जाएगा, मुंह गले में पानी वापस आने लग गया है, जब आपने इतना पी लिया तो धीरे से जग को साइड में रखेंगे और खड़े हो जाएंगे। अपने बाएं हाथ को पेट के ऊपर रखेंगे, दाएं हाथ में की तीन उंगलियों को या दो उंगली को मुंह के आगे झुकेंगे, 90 डिग्री आगे झुक जाएं और मुंह के अंदर डालेंगे, हल्का सा बेस ऑफ द टंग, आपके जहां आपका जीभ खत्म होता है वहां पे थोड़ा सा गुदगुदी जैसी करने का प्रयास करेंगे तो पूरा पानी बाहर आ जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बारी में ही पूरा पानी बाहर आ जाए, आपको दो से तीन बार ऐसा करना पड़ सकता है।
तो 2 से 3 बार में आपका धीरे धीरे, जैसे आप वॉमिट करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे आप वॉमिट करते हैं उस तरीके से फोर्स में पेट से पानी बाहर आ जाएगा धीरे से, फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। जब आपको लगता है कि सारा पानी वापस आ गया तो आप आराम से या बैठ जाएं, रिलैक्स कर लें, या फिर आप लेट जाएं। कुंजल का अभ्यास मदद करता है आपको, आजकल के यूथ, जैसे हम यूथ की बात कर रहे हैं तो हम जंक बहुत खाते हैं, है ना, और खाने का कोई टाइम नहीं होता, तो एसिडिटी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो उसके लिए उसमें बहुत ही ज़्यादा मददगार है, एक्स्ट्रा एसिड जो भी होता है वो पेट से बाहर निकल जाता है कुंजल के अभ्यास के साथ। साथ के साथ कुंजल एक मेंटल पीस भी देता है। धीरे से हम बढ़ेंगे यहाँ से थोड़ी देर अभ्यास करने के बाद आगे सूर्य नमस्कार के लिए। उसके लिए सबसे पहले मैट के एज पे खड़े हो जाएंगे। दो तरह के सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे हम यूथ। आगे फिर से हम यूथ की बात करते हैं तो हम दोनों वर्गों को लेते हैं। जो लोग बहुत ही एक कॉन्फिडेंट हैं और स्ट्रांग हैं, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है वो, और एक जो लोग हैं तो सब केपेबल हैं बट वो बस अपने आप को उतना केपेबल समझते नहीं हैं। तो पहला अभ्यास सूर्य नमस्कार का शुरू करते हैं। के लिए सबसे पहले नमस्कार, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में छाती के आगे जोड़ लेंगे। यहां से श्वास भरते हुए जाएंगे हस्तोत्तान आसन, हाथों को कान के पास लगाएंगे और बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे की तरफ झुक जाएंगे। हाथ और कान आपके एक लाइन में रहें इस बात का ध्यान, कोहनी आपकी सीधी रहे इस बात का भी ध्यान। धीरे से श्वास छोड़ते हुए पादहस्त आसन, अगले अभ्यास की तरफ जाएंगे जो है पादहस्त आसन। जितना आप नीचे जा सकते हैं वहां तक जाएं, प्रयास करें। यहां से बढ़ेंगे हम अगले आसन की तरफ जो कि है अश्व संचलन। सबसे पहले उसके लिए दाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, धीरे से दाहिने घुटने को जमीन पर लगा देंगे और छाती बाहर की तरफ और ठुड्डी ऊपर की तरफ। ये है अश्व संचलन। धीरे से अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे, अगला आसन जो है पर्वतासन। पीछे वाले घुटने को सीधा करेंगे, आगे वाले पैर को, बाएं पैर को दाएं पैर के पास लेकर के जाएंगे और अपने हिप्स को ऊपर की तरफ धक्का देंगे, पर्वत आसन। इसमें ये बात का ध्यान रखें कि आपके घुटने सीधे रहें, कंधों को नीचे की तरफ दबाने का प्रयास करें, छाती को बाहर की तरफ और एड़ी को जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अभ्यास शुरू किया और ऐसा होने लग जाए, परफेक्ट पोज जैसे हिमांशु दिखा रहे हैं उस तरीके से आने लग जाए, पर हम अभ्यास करेंगे तो ये धीरे धीरे आने लग जाएगा। ये आपके मसल्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी भी लाता है और साथ के साथ स्ट्रेंथनिंग भी करता है मसल्स की। धीरे से अगले आसन की तरफ चलेंगे जो कि है अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार के लिए पहले प्लैंक पोज में आ जाएंगे, थोड़ा सा फन ऐड करते हैं, प्लैंक में आएंगे। अब यहाँ से कोहनी को मोड़ते हुए, ये थोड़ा सा वेरिएशन है वैसे तो, कोहनी को मोड़ते हुए छाती को जमीन पर रखेंगे और फिर घुटने को जमीन पर रखेंगे। आप अगर जो लोग हैं, यूजुअली हम बोलते हैं कि लड़कियों के मेडिकली ऐसे बोलते हैं कि हाथ थोड़े से उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, बट लड़कियां किसी से, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां किसी से कम हैं। तो आप अभ्यास के साथ इस तरह से आ सकते हैं, शुरुआत में आप पहले घुटने लाएं और फिर छाती को जमीन पर लगाएं। अब यहाँ से श्वास अंदर लेते हुए भुजंगासन की तरफ जाएंगे, इस तरीके से कोहनी आपके शरीर से लगी रहे। प्रयास करें कि आप हाथों का सपोर्ट कम से कम लें और सारा काम अपने कमर को करने दें, इससे आपके कमर और आपकी पीठ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। जो लोग जॉब भी करते हैं,
पढ़ाई भी करते हैं, मैक्सिमम सिटिंग आवर्स हैं या फिर ड्राइव करते हैं काफ़ी टाइम तक, तो उनको बैकएक की परेशानी होती है, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। धीरे से टोज को अंदर लाएंगे और आ जाएंगे पर्वतासन में। फिर से पर्वतासन, फिर से उन्हीं बातों का ध्यान। कंधों को नीचे दबाएंगे, छाती को बाहर की तरफ निकालने का प्रयास करेंगे, हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, घुटनों को पीछे की तरफ, घुटनों को सीधा रखने का प्रयास करेंगे और एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे। अब फिर से दाहिने पैर को दोनों हाथों के बीच में लेकर के आएंगे अश्व संचलन के लिए। अश्व संचलन, बहुत बढ़िया। यहां से बढ़ेंगे हम अगले अभ्यास की तरफ, अगले आसन की तरफ, जो कि है पादहस्तासन। धीरे से पीछे वाले घुटने को सीधा करेंगे और पीछे वाले पैर को लेके आएंगे आगे वाले पैर के पास, दाएं पैर को बाएं पैर को दाएं पैर के पास लेकर के आएंगे और आगे झुक जाएंगे। प्रयास करेंगे कि आप अपना माथा घुटने से लगा दें, घुटने आपके सीधे रहें, इस बात का भी ध्यान रखें। अब यहाँ से पहले दोनों हाथों को सीधा करेंगे, कान के पास लेके आएंगे, अपने स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे और इनहेल करते हुए, श्वास लेते हुए जाएंगे हस्तोत्तान आसन के लिए, बैकवर्ड बेंडिंग, और धीरे से श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे नमस्कार आसन। रिलैक्स, ये अभ्यास सामान्यतः करते हैं हम। एक और हम सूर्य नमस्कार का वेरिएशन है जो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने दिया था, हम उसका अभ्यास भी करेंगे। इसके लिए फिर से पहला आसन नमस्कार, दूसरा फिर से हस्तोत्तान के लिए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि इसमें हम बैकवर्ड बेंडिंग का के लिए उन्होंने नहीं बोला था, बस थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग इतना सफिशेंट होगा। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे पादहस्तासन के लिए। यहां से लेकर के जाएंगे आप अपने दाएं पैर को पीछे, आगे वाला पैर 90 डिग्री पे रहे, इस बात का ध्यान। ये भी वेरिएशन है, हालांकि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के अनुसार वो और ज्यादा स्ट्रीम हो जाता है थोड़ा सा, वो जो अभ्यासी हैं वही लोग कर पाएंगे, उसमें हम टोस पे आ जाते हैं, आपके हील्स ऊपर आ जाते हैं, पर हम अभी इसी वेरिएशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि आपका पीछे वाला जो घुटना है वो बिल्कुल सीधा रहे, आगे वाला घुटना 90 डिग्रीज पे रहे। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा देंगे और आपकी अपर बॉडी ऊपर आ जाएगी, कुछ बैकवर्ड बेंडिंग करते हुए इस तरीके से। श्वास छोड़ते हुए धीरे से फिर से दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे पैरों के पास और जंप के साथ पैर को चेंज कर देंगे। वेरी गुड। और इसी तरीके से हाथों पे वजन देते हुए आप जब जंप करते हैं तो बहुत प्रयास करें कि बहुत ज्यादा आवाज ना आए, आराम से बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन हो। अब यहां से फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और जाएंगे बैकवर्ड बेंडिंग के लिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। अब यहां से दाहिने पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे पर्वतासन। पर्वतासन से जाएंगे हम चतुरंग दंड। यह है चतुरंग दंड, चाहे तो आप हिप थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं। अब श्वास भरते हुए जाएंगे भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन और जंप के साथ दोनों पैरों को ले आएंगे दोनों हाथों के बीच में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पादहस्तासन में आ गए हम। अब यहां से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाते हुए जाएंगे थोड़ा सा हस्तोत्तान और नमस्कार। ये हुआ दूसरा वेरिएशन सूर्य नमस्कार का। थोड़ी देर रिलैक्स कर लेंगे हिमांशु, वज्रासन में रिलैक्स कर लें आप। सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपको करेज, कॉन्फिडेंस और साथ के साथ स्ट्रेंथनिंग भी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जब आप कहते हैं, जब कुछ भी आपके पास टाइम नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है क्या करें क्या ना करें, बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारी
प्रैक्टिसेज हैं, क्या करें, तो सूर्य नमस्कार एक सिंपल सल्यूशन है हर चीज़ का। ये सेट ऑफ आसनाज है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, टाइम कम है, तो आप बस सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें 8 से 10 राउंड। आप जितना ज़्यादा कंफर्टेबल हैं आप उतना कर सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है आप शुरुआती स्थिति में अभ्यास नंबर ऑफ राउंड्स कम कर पाएँ, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम जैसे जैसे अभ्यास करते हैं वैसे वैसे हमारा स्टैमिना बढ़ता जाता है और स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। बढ़ते हैं हम यहाँ से अगले अभ्यास की तरफ, जो कि है शीर्षासन का अभ्यास। शीर्षासन के लिए वज्रासन की स्थिति में ही ऐसे बैठ जाएंगे और सबसे पहले आगे की तरफ झुकेंगे, दोनों कोहनियों हाथों को आगे की तरफ लगाएंगे और कोहनियों से एक मापदंड लेंगे कि डिस्टेंस जो आपके हाथों के बीच में हो, लगभग कोहनी शोल्डर डिस्टेंस हो दोनों हाथों के बीच में। अब स्थिति में आएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। अब माथा दोनों हाथों के आगे जमीन पे लगा देंगे, जैसे यहां से अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे घुटनों को सीधे करते जाएंगे। बहुत बढ़िया, पहले आप इस स्थिति में आ जाएं यहां तक। अब धीरे पैरों से वॉक करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ें। अब आपको लगता है शुरुआती स्थिति में आप एक एक पैर ऊपर उठा सकते हैं, या फिर जो लोग अभ्यासी हैं वो दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये है शीर्षासन। शीर्षासन का अभ्यास फिर से आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है, करेज को इम्प्रूव करता है, विल पावर को इम्प्रूव करता है, कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि शीर्षासन का अभ्यास सारा सर्कुलेशन आपके ब्रेन की तरफ लेकर के आता है, तो आपकी ब्रेन के हेल्थ के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। धीरे से पहले घुटनों को वापस मोड़ेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे यहीं पे। हमेशा शीर्षासन के अभ्यास के बाद सीधे उठकर खड़े बैठ नहीं जाना है या खड़े नहीं होना है। आप थोड़ी देर इस स्थिति में रिलैक्स करें, सर्कुलेशन को नॉर्मल होने का थोड़ा टाइम जरूर दें। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद धीरे से वापस आ जाएंगे और बैठ जाएंगे दंडासन की स्थिति में। दंडासन के लिए, दंडासन की स्थिति है जब आप अपने पैरों को सामने की तरफ खोलकर बैठ जाते हैं। अगला अभ्यास की तरफ चलेंगे हम यहीं से, जो कि है पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास। पश्चिमोत्तान आसन के लिए दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे, कान के पास लेके आएंगे। अब यहाँ पे पहले अपने स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ खींचें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पूरे स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे, झुकते जाएंगे और दोनों दो उंगलियों से हुक बनाते हुए, एक बार हुक कैसे बनाया आप हिमांशु दिखा दें, दो उंगलियों से ऐसे हुक बनाते हुए अपने अंगूठे को पकड़ लेंगे। एक बार फिर से यहाँ पे अपने स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे और कोहनियों को जमीन से लगाते हुए माथा को सिर को लगा देंगे आप अपने घुटनों के साथ। यह है पश्चिमोत्तान आसन। ये आपके स्पाइन में पश्चिम, आपके बैक ऑफ द लेग, आपके पैर के पीछे वाले हिस्से और स्पाइन में बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है। धीरे से थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहने के बाद धीरे से
हाथ को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और श्वास भरते हुए अपने अपर बॉडी को अपनी ऊपर सीधा स्ट्रेट लेके आ जाएंगे और धीरे से हाथों को नीचे लेकर के आ जाएंगे। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे शिथिल दंडासन की स्थिति में। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास और अपने सभी सवालों से हमें अवगत करा सकते हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप हमें सवाल भेजें और हमारे विशेषज्ञ से अपने सभी सवालों का सलूशन पाएं। और मैम यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं यूथ की, एक ऐसा आयु वर्ग होता है जो कि एक बड़ा आयु वर्ग है, हम किसी भी समाज में देखें, किसी भी सोसाइटी में देखें तो हम बहुत बड़े वर्ग को पाते हैं जो यूथ की कैटेगरी में आता है। और जैसे आपने हमने पहले भी बात की कार्यक्रम की शुरुआत में कि ये पढ़ भी रहा है और ये जॉब भी कर रहा है, और कई ऐसे हैं जो नए नए जॉब में गए हैं, कोई नए जॉब करते हुए इनको थोड़ा समय हो गया है, और ये सारा समय ऐसा है जो कि बहुत क्रिटिकल होता है, जिसमें प्रेशर बहुत होते हैं, जिसमें स्ट्रेस बहुत होता है, एक ही अलग ही लेवल की इनकी एंग्जाइटी चलती है और चैलेंजेस भी इनके सामने अलग अलग लेवल के आते हैं। तो इन सब से कोप अप करने के लिए मेंटल लेवल की अगर हम बात करें वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम आपसे बहुत ही ब्रीफ में ये जानना चाहेंगे कि योग किस तरह से उनकी हेल्प कर सकता है इस तरह की सिचुएशन से कोप अप करने में। मैम हाँ, जैसे कि हमने बात करी ये अभ्यास जो हम कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस और करेज की बात करते हैं, तो कॉन्फिडेंस और करेज के साथ साथ ये भी, ये उसमें इंक्लूडेड है। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको अपने आपको लगेगा कि आप कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि आप किसी चीज को करने के लिए केपेबल हैं, वही जो चीज चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस इस वजह से भी है कि आप बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि सब ये काम कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये भी फीलिंग है। तो इसमें हम एक धारणा का अभ्यास करते हैं जो हमें, जिसको हम बोलते हैं वो मल्टीटास्किंग करने में हमारे को मदद करता है। मेडिटेशन, धारणा, प्राणायाम ये सब हमारे को मल्टीटास्किंग में हेल्प करते हैं। किस तरीके से, अगर उसको हम समझना चाहें तो अगर साइंटिफिकली बात करें तो ब्रेन में सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव होता है। दूसरी तरीके से साथ में जब आप आराम से बैठते हैं तो आपके थॉट्स में क्लैरिटी आती है। आप कहते हैं कि मेडिटेशन में सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है, कैसे कैसे मिलता है? तो इसका जवाब यही है कि जब आप बैठते हैं थोड़ी देर, आप अपने आप को समय देते हैं, आप उस परेशानी को समझने का प्रयास करते हैं और उसका सल्यूशन निकालने का आप प्रयास करते हैं। आप जब आपके पास टाइम ही नहीं है, आप भागते जा रहे हैं तो आपको इस चीज़ के लिए नहीं निकल पा रहा है, आप सल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, आप बस उसके प्रॉब्लम को देखते जा रहे हैं और उससे परेशान होते जा रहे हैं। जब आप बैठते हैं और समझते हैं और सोचते हैं तो एक्चुअली आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड से लेके प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन हो जाता है आपका। तो इस तरीके से मदद करेगा आप योग, यानी कि एक बार थमकर बैठना जरूरी है। आज जैसे मैम ने बताया आप ध्यान कर सकते हैं और भी ऐसे बैलेंसिंग योगासन कर सकते हैं जिससे आपके दिमाग पर आपका कंट्रोल बढ़े। और मैम हम योगासनों की तरफ वापस चलते हैं, आपसे निवेदन करेंगे आप इसे प्लीज़ जारी रखें। बढ़ते हैं हम आगे, उसके लिए वापस आ जाएंगे फिर से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। यहां से हम जाएंगे सुप्त वज्रासन के लिए। सुप्त वज्रासन के लिए वज्रासन से धीरे धीरे पहले आप कोहनियों को लगाएं और फिर माथे को भी लगा दें जमीन पे, और दोनों हाथों को आप हिप्स के ऊपर रख दें। ये थोड़ा सा कंफर्टेबल वेरिएशन है। अभी जैसे पश्चिमोत्तानासन में आपके थाइस के और पैर के पीछे वाले हिस्से पर खिंचाव आ रहा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ की बढ़ रही है,
अब वज्रासन, सुप्त वज्रासन में ये जो खिंचाव आता है वो आपके थाइज के आगे वाले हिस्से पे आता है। तो अभी हम अपने थाइज के आगे वाले हिस्से की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं और साथ के साथ आपके पेट की भी, वहां पे भी अच्छी खासी स्ट्रेचिंग आप महसूस कर सकते हैं। जो लोग सुप्त वज्रासन में एकदम से नहीं आ सकते हैं, शुरुआती स्थिति में वो कोई तकिया या ब्लॉक्स यूज करते हैं योग में कई लोग, तो आप ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं अपने पीठ के नीचे और अपने माथे के नीचे। तो जैसे जैसे आपको लगे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बेटर होती जा रही है, आप धीरे धीरे उसको हटा दें, ब्लॉक को हटा दें और इस स्थिति में आ जाएं जिस स्थिति में हिमांशु है। धीरे से वापस आने के लिए अपने कोहनियों का सहारा लेते हुए, हथेलियों का सहारा लेते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। यहां से बढ़ेंगे हम लेट कर किए जाने वाले आसनों की तरफ। लेट कर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में सबसे पहले लेट जाए, पीठ के बल लेट जाएंगे। शुरुआत करेंगे हम हल आसन से। हल आसन के लिए दोनों पैरों को एक साथ मिला दें। हल आसन से पहले एक और अभ्यास कर लेते हैं अर्ध हल आसन का। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं 90 डिग्री, ये है हल आसन। अब यहीं से ही जाएंगे सर्वांग आसन के लिए। धीरे से हिप्स को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों से अपने कमर को और पीठ को सहारा देंगे और अपने बॉडी को पूरे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। टोज आपके पॉइंटेड हों, शोल्डर स्टैंड भी इसको बोलते हैं, मतलब आपके कंधों के ऊपर पूरा शरीर का भार है, आपके पूरे शरीर का भार आपके कंधों के ऊपर है, ये है सर्वांग आसन की स्थिति। अब यहीं से ही सर्वांग आसन से ही अगले अभ्यास, अगले आसन की तरफ हम जाएंगे जो कि है हल आसन। धीरे धीरे दोनों हाथ, दोनों पैरों को आप अपने सिर के पीछे जमीन पर लगाने का प्रयास करें और अब जब पैर जमीन पर लग गया है तो धीरे से हाथों को पीठ से हटा दें और दोनों हाथों को जमीन पर लगा दें। ये है हल आसन की स्थिति। हल आसन फिर से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, आपके स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है और आपके बॉडी और माइंड के कोऑर्डिनेशन, जो हमने ये तीनों आसनों का एक सेट किया, बॉडी और माइंड के कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव करने में बहुत मददगार है। धीरे से वापस आने के लिए पहले दोनों हाथों को फिर से कमर पे लगाएंगे, सर्वांगासन में जाएंगे फिर से और धीरे धीरे दोनों हाथों को हटाते हुए धीरे धीरे आराम से बहुत ही स्मूदली कमर को नीचे लाएंगे और पैरों को नीचे ले आएंगे। रिलैक्स। यहां से बढ़ेंगे हम अगले अभ्यास के लिए जो कि है मत्स्य आसन का अभ्यास। मत्स्य आसन का अभ्यास, उसके लिए सबसे पहले पैरों में पद्मासन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैरों से पहले दाहिने पैर को मोड़ेंगे और आप अपने बाएं जंघा मूल पे लेके आएंगे और बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं जंघा के सामने हिप्स के ऊपर रखना है आपको फुट, कुछ इस तरीके से। ये पद्मासन की स्थिति है। अब दोनों पैरों में से किसी भी पैर से आप कर सकते हैं। हिमांशु हालांकि अभ्यासी हैं, फिर भी कभी कभी, क्योंकि अभी सभी सुबह है और सर्दियां हैं तो थोड़ा बहुत स्टिफनेस आ सकती है। अब दोनों हाथों से अपने अंगूठों को पकड़ लेंगे और अपने कोहनियों पे वजन देते हुए अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपने माथे को, क्राउन ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड जो आपका है, उसको जमीन पर लगा देंगे कुछ इस तरीके से। मत्स्य आसन थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहने के बाद धीरे से हाथों को छोड़ेंगे, हाथों का सहारा लेते हुए
सिर को जमीन पर लेके आएंगे सामान्य स्थिति में, छाती को वापस लेके आएंगे और धीरे से पैर को खोल देंगे। ये था मत्स्यासन। लेकिन जो लोग मत्स्यासन का ये अभ्यास नहीं कर सकते हैं, उनके लिए है सरल मत्स्यासन का अभ्यास। सरल मत्स्यासन के अभ्यास के लिए आप लेटे रहें, ऐसे ही सीधे पीठ के बल लेटे रहेंगे और फिर दोनों पैरों को एक साथ मिला देंगे। दोनों हाथों को अपने कंधों के पीछे ले जाएं और कोहनियों को मोड़ लें, हथेलियों को कंधों के पास ही रखें, हथेलियों को कंधों के पास रखें। अब हाथों हाथ के सहारे से अपने सिर को नीचे की तरफ ले जाएंगे ताकि आपका क्राउन ऑफ द हेड अगेन जमीन पर लग जाए, छाती ऊपर की तरफ उठ जाए, हिप्स आपके जमीन पे ही रहेंगे। अब दोनों हाथों को वहां से धीरे से हटाएंगे और अपने हथेलियों को अपने हिप्स के ऊपर रख देंगे, कोहनी आपकी जमीन से लगी रहे इस बात का ध्यान। ये है सरल मत्स्यासन का अभ्यास। टोज आपके पॉइंटेड रहेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। धीरे से वापस आएंगे, फिर से हाथों के सहारे से सिर को वापस लेके आएंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। रिलैक्स, शवासन। गहरी लंबी श्वास प्रश्वास। जो भी आपने अभी तक अभ्यास किया उसका आपके शरीर पे क्या इफेक्ट आया, उसको एक बार जांचने का प्रयास करेंगे, अपने आप से जुड़ने का प्रयास करेंगे। शवासन का अभ्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके मन को शांत करता है, स्ट्रेस को दूर करता है और शारीरिक थकान को भी दूर करता है। हम यूथ में अक्सर टेंडेंसी होती है कि जो लोग अभ्यासी हैं उनके साथ भी ऐसा होता है कि वो शवासन के अभ्यास को अवॉइड करते हैं। तो इसको अवॉइड ना करें, इसको छोड़ने का प्रयास ना करें, शवासन जरूर करें। धीरे से मैं हाथों और पैरों की उंगलियों में हलचल करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे, अपनी बाई तरफ करवट लेंगे, दाहिने पैर का सहारा, दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए धीरे से उठ करके बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम का अभ्यास। आंखों को बंद कर लें, फिर से हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रखें, कमर गर्दन सीधी रखें। पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा या प्रणव मुद्रा बनाएंगे। उसके लिए अंगूठे के साथ की दो उंगलियों को मोड़ लेंगे और अंगूठा और अनामिका उंगली, हम इन दो उंगलियों को इस्तेमाल करेंगे। मुद्रा को या अपने हाथ को नाक के पास लेकर के आएं, गहरी लंबी श्वास अंदर लें और धीरे धीरे छोड़ दें। अंगूठे से दाई नासिका रंध्र को बंद करेंगे और बाई नासिका से श्वास को अंदर लेंगे। अब बाई नासिका को अनामिका उंगली से बंद करने के बाद दाई नासिका रंध्र से श्वास को छोड़ देंगे। फिर से दाई नासिका रंध्र से श्वास लेंगे और दाई नासिका रंध्र को अंगूठे से बंद करते हुए बाई नासिका रंध्र से श्वास को छोड़ देंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आप 8 से 10 राउंड कर सकते हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप अभ्यास करते हैं तो ये जरूर प्रयास करें कि आपकी श्वास गहरी, धीमी और लंबी हो। कोशिश करें कि काउंटिंग के साथ करें। हम शुरुआती स्थिति में ऐसा बोलते हैं कि गिनती के साथ करें, जितनी गिनती तक आप श्वास ले रहे हैं। मान लो आप अगर 5 की गिनती तक श्वास ले रहे हैं तो 5 की गिनती तक ही, कम से कम 5 की गिनती तक श्वास छोड़ने का प्रयास करें।
अभ्यास के साथ प्रयास करें कि आप दुगना श्वास छोड़ सकें। अगर आप 5 की गिनती तक श्वास ले रहे हैं तो 10 की गिनती तक श्वास को छोड़ सकें। और हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रल बाई नासिका से श्वास को लेते हुए और बाई नासिका से ही श्वास को छोड़ते हुए, जब आप बाई नासिका से श्वास को छोड़ें तभी इसका इस अभ्यास को विराम दें। हम बोलते हैं लेफ्ट से शुरू करें और लेफ्ट से ही फिनिश करें। धीरे से लेफ्ट से एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। अगला प्राणायाम, अगले प्राणायाम के लिए चलेंगे हम, जो कि है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से के लिए दोनों हाथों से षणमुखी मुद्रा बनाएंगे। षणमुखी मुद्रा के लिए पहली उंगली को आंखों के ऊपर रखेंगे, दूसरी उंगली नासिका के पास, तीसरी उंगली आपके अपर लिप के ऊपर और चौथी लोअर लिप के नीचे। अब अंगूठे से कान को बंद कर देंगे। इस कुहनी आपके कंधे के समानांतर हो इस बात का ध्यान, और हर बार गहरी लंबी श्वास के साथ एक्सहेल करते हुए श्वास को छोड़ते हुए भ्रमर की ध्वनि को निकालने का प्रयास करेंगे। श्वास अंदर, धीरे से वापस आ जाएं। इस प्राणायाम का अभ्यास भी आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। धीरे से इस सत्र को समाप्त करने के लिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें, गहरी लंबी श्वास अंदर लें और धीरे धीरे छोड़ दें। गहरी लंबी श्वास के साथ एक बार ओम का उच्चारण, शांति पाठ और 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। श्वास अंदर, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे और पलकों को झपकाते हुए धीरे से वापस। तो ये तो हमारे योगासन रहे। हम बात कर रहे थे योगा फॉर यूथ पर, यानी कि युवाओं के लिए योगासन हम लेकर आए थे, और बहुत ही अच्छे से मैम आपने काफ़ी योगासन हमें बताए जो हमारे यूथ कर सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शकों को ये सत्र पसंद आया होगा। जाते जाते कुछ ऐसी ज़रूरी बात जो आप हमारे सभी दर्शकों को कहना चाहें? मैं बोल दूँगी कि आप अपने डाइट का भी ज़रूर ध्यान रखें जी इसमें, क्योंकि
हम सबसे ज़्यादा जो देखते हैं यूथ परेशान है, बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी है ना, तो कि उसके पास खाना खाने का भी टाइम नहीं है, खाना खाते भागते भागते खाते हैं, ये जो मैं देखती हूँ भागते भागते खाते हैं। थोड़ा सा टाइम दे अपने आप को, बैठे और हेल्दी डाइट पे ध्यान दें। अभी आप, आपको ग्रो करना है, आप ग्रो कर रहे हैं, मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, तो साथ के साथ खाने पे भी हेल्दी डाइट, सात्विक भोजन की तरफ, हम योग में सात्विक भोजन को रेकमेंड करते हैं, क्योंकि वो कहाँ खाने का, आप ये बोलचाल में भी बोलते हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होगा मन, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सच भी है। समय से भोजन करेंगे तो आपका मन भी शांत रहेगा और आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर सकेंगे। एक और बात मैं एक बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे मैम जी, एक और बस एक बात ऐड करना चाहूँगी, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं लाइफ में जो हम यूथ बहुत फेस करते हैं, चाइल्डहुड भी नहीं, अडल्ट में भी, टीन एज में भी, तो योग कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इनसे भी आपको जूझने में और इसका सोल्यूशन पाने में मदद करता है। जी थैंक यू। तो आपको डिसिप्लिन अपने लाइफ में लेकर आना है, जब आप डिसिप्लिन अपने लाइफ में लाएंगे, अनुशासन को आप फॉलो करेंगे, तो देखिए कितने सकारात्मक बदलाव आपके आसपास होते हैं। अभी इमाम समय हमें बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहे सत्र को आगे बढ़ाने की, लेकिन जाने से पहले शुचि मौन हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैम कि आप हमारे स्टूडियो आए और आपने इतने अच्छे योगासन बताए युवाओं के लिए। साथ ही हम अपने डेमोन्स्ट्रेटर हिमांशु आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपकी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए। और इसी के साथ अब इस सत्र को हम यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप किन्हीं वजहों से ये सत्र पूरा नहीं देख पाए या फिर आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो रात्रि 8 बजे ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 पर देख सकते हैं और हमारे NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ई विद्या चैनल और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।